बंजार घाटी के थाटी बीड़ फागली उत्सव में देव परंपरा के नाम पर एक जाति विशेष के युवक से हुई मारपीट मामले में पुलिस ने अब स्थानीय ग्रामीणों और देव कारिंदों सहित करीब एक दर्जन लोगों से बंजार थाना में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने देव कारकुनों के कब्जे से पीड़ित युवकों से जुर्माने के तौर पर वसूले गए 5100 रुपये जब्त कर लिए हैं। बंजार के थाटी बीड़ मेले में दलित युवकों के साथ देव परंपरा के नाम पर जातीय भेदभाव और पिटाई मामले में पीड़ित की शिकायत के आधार पर देव कारकुनों से पूछताछ लगातार चल रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कर रही है और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं सभी लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। कुल्लू की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में देव कारकुनों द्वारा युवकों के जुर्माने के तौर पर वसूले 5100 रुपये जब्त कर लिए हैं और पुलिस ने मामले में 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों के बयान कलमबद्ध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि देव परंपरा पहले कैसी थी और उसमें अब क्या बदलाव हुए हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला जातीय भेदभाव का है, इसलिए सभी लोगों के सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में जो भी दोषी होंगे पुलिस उनको जल्द गिरफ्तार करेगी। में ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अभी तक कुल मिला के कल करीब 15 लोगों से पूछताछ की गई और कुछ लोगों को 41 से सीआरपीसी के नोटिस भी दिए गए हैं। जो पैसे जब्त करने की जो बात थी वो पुलिस ने वेरीफाई की है और जो देव स्मृति है उस मंदिर में उनसे 5100 रुपये जो है वो जो उन्होंने लिए थे उसको जब्त किया गया है। साथ ही क्योंकि ये कास्ट रिलेटेड एलिगेशन हैं तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट्स हमने एप्लीकेशंस कंसर्न विभाग को लिखी है कि वो वेरीफाई करें कि एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों पार्टीज़ के जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में उनकी कास्ट सर्टिफिकेट्स के हिसाब से कास्ट क्या है और उसका जैसे भी आएगा उसको पुलिस अपनी फाइल के लिए उसमें यूज़ करेगी। और साथ में फ़िलहाल जो क्योंकि देव परंपरा का मामला है और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें उस गांव में ऑलरेडी ऐसे मेला जो है वो पहले भी होता था तो उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है कि किस तरह से मेला जो है वो पहले किया जाता था या उसमें किस तरह के ट्रेडिशनली क्या क्या इवेंट्स रहते थे और इस बार उसमें क्या चेंजेस आए हैं या किस तरह के लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो हर एक पहलू पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लियर व्यू सामने आए क्योंकि दोनों गुटों के व्यूज़ जो हैं वो पुलिस को मिल रहे हैं और सोशल लेवल पे भी दोनों गुट जो हैं आप अपनी अपनी तर्क और अपने अपने स्टेटमेंट्स इसमें इशू कर रहे हैं तो पुलिस हर पहलू पे नज़र रख रही है और हर तरह से हम चाहते हैं कि केस पूरी तरह से सामने आए, पूरा क्लैरिटी से हम इसको सबके सामने लेके आएँ कि किस तरह की वहाँ पर घटना किस हालात में और किन लोगों की मौजूदगी में की गई थी। इस मामले में कुल मिला के करीब विक्टिम परिवार और एक्यूज पक्ष और अन्य जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है करीब 60 लोगों की पूछताछ जो है पुलिस जो अभी तक कर चुकी है बट अब ये सिलसिला अभी और भी जारी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी क्योंकि बहुत सारे पक्ष जो नए सामने आ रहे हैं या नए फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उनको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। अभी बहुत कुछ होना है इस केस में, अभी अनिवार्य है और पुलिस उस कार्य में जुटी हुई है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।